ये कौम में गुनाह क्यों हो रहे हैं, ये कौम गुनाह क्यों कर रही है, बेनमाजी क्यों है, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि नमाज छोड़ेगा तो क्या होगा। शराब क्यों पी रहा है, उसको पता ही नहीं है कि शराब पिएगा तो क्या होगा। माँ बाप की नाफरमानी क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं है माँ बाप की नाफरमानी करेगा तो क्या होगा। अब आज की महफिल में मैं कोई रोना रोने की बजाय एक सॉल्यूशन आपके सामने रखना चाहता हूं, एक हल आपके सामने रखना चाहता हूं। सारे गुनाहों की और बुराइयों की जड़ जहालत है, यानी इल्मे दीन से दूरी है। तो पहले काम आप ये करें कि एक जलसे में एक घंटे सवा घंटे की तकरीर में आपको पूरा इल्म सिखाया नहीं जा सकता, तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी खुद कुरान सीखो, खुद हदीस सीखो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मेरा यकीन कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, जिस दिन मुसलमान को पता चल जाएगा कि नमाज छोड़ने का वबाल क्या है। देखो मुसलमान बहुत सच्ची कौम है, ये कौम मुस्लिम जैसी कौम पुश्ते जमीन ने चश्मे फलक ने कभी नहीं देखा। बस इस कौम को सही बात बताने की जरूरत है, ये कौम को तक सही बात पहुंच जाती है, ये कौम सुधर जाती है। मालूम नहीं है तो गुनाह है, मालूम हो जाते तो लोग गुनाह नहीं करते, क्योंकि मेरा अल्लाह खुद कुरान में कहता है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करने से मोमिनों को फायदा होता है। इसीलिए जलसे मुनक्किद होते हैं। अब आइए जरा दो तीन बातें कर लेते हैं कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। इल्म आपको नहीं है, आप में के बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें उनको इल्म नहीं है नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। आइए, बहुत नुकसान आते हैं नमाज छोड़ने के, मैं एक दो नुकसान बताता हूं। और मेरा दिल कहता है अल्लाह पे उम्मीद करते हुए कि जब मुसलमान को पता चलेगा ना कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है, यकीन जाने कोई मुसलमान जो है नमाज नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसलिए कि नमाज छोड़ने का नुकसान बताया किसने? अल्लाह के रसूल ने, हमारे आका ने, मुस्तफा जान रहमत ने, गैबदा नबी ने। इसलिए कि मैं जानता हूं ये मेरी कौम अल्लाह अकबर अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती है कि नबी के नाम पर ये अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। अरे जब नबी के नाम पे जान कुर्बान कर सकते हैं तो नबी के नाम पे वक्त क्यों नहीं कुर्बान कर सकते, लेकिन पता नहीं है। तो आइए नमाज से शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसे किसी मुल्क में रहने के लिए एक कानून होता है, किसी मुल्क में रहने के लिए कानून होता है, क्या कानून होता है? सबसे बड़ा कानून मुल्क में रहने के लिए होता है कि जो जिस मुल्क में रहेगा उस मुल्क का वफादार बन करके रहेगा। ठीक है, ये कानून है मुल्क का। अगर कि कोई बंदा सिग्नल तोड़ दे, ये गुनाह है, जुर्म है मुल्क के कानून में, लेकिन सिग्नल तोड़ने वाला मुल्क में रह सकता है, उसको मुल्क से कोई बाहर पेनल्टी भर दी जाए, ठीक है, पकड़ लिया जाए। इसी तरह मुल्क में रहने का एक कानून, जो मुल्क में जो है वो मजीद कवानीन होते हैं अलग अलग, बाइक चलाना है तो हेलमेट पहनना है, नहीं पहना पेनल्टी लगेगी, लेकिन मुल्क में रह सकता है। सही है, ये सब छोटे छोटे जराए में, लेकिन मुल्क में कौन नहीं रह सकता? तो कहा जो मुल्क से गद्दारी करेगा, मुल्क से बेवफाई करेगा, चाहे कितने ही बड़े बाप का बेटा हो, उसको मुल्क में रहने का हक, गद्दार को मुल्क में रहने का हक। अगर कोई शख्स हमारे मुल्क की जासूसी पड़ोसी मुल्क में जाकर के करे तो हम उसके बारे में ये कहेंगे इसको फांसी पे चढ़ाओ। सही, ये मुल्क में रहने के काबिल क्यों? क्योंकि इसने क्या की है? गद्दारी की। क्या की है? गद्दारी की। मुल्क से गद्दारी करने वाला मुल्क में रहने के काबिल बोले नहीं है। तो जैसे हर मुल्क का एक कानून है और सारे ममालिक का कानून यही कहता है कि जो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का वफादार बन करके रहे, मुल्क का गद्दार मुल्क में नहीं रह सकता, वो उस मुल्क का बाशिंदा हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह जैसे मुल्क में रहने के लिए मुल्क की वफादारी जरूरी है, वैसे मुसलमान रहने के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा जरूरी है।
ये सजदा क्या है? अल्लाह को सजदे की जरूरत नहीं है। जब कोई सजदा करने वाला नहीं था तो भी वो अल्लाह उसी शान के साथ था जैसा कि उसकी शान है, और जब कोई सजदा करने वाला नहीं रहेगा तो भी वो अल्लाह रहेगा उसी शान के साथ जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। फिर सजदा क्यों करवाता है? सजदा इसलिए करवाता है ताकि लोगों को दिखाए कि उसका वफादार कौन है और उसका गद्दार कौन है। वफादारों को बताने के लिए अब जो दुकान छोड़कर मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, फजर में नींद छोड़ के मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, जो अपनी मसरूफियत को छोड़ के मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, और जो सोता पड़ा रहे वो नींद का वफादार है, खुदा का वफादार नहीं। जो कारोबार में लगा रहे वो रोजे का वफादार है, रस्सा का वफादार नहीं। अब बताओ, जब मुल्क का गद्दार मुल्क में नहीं रह सकता, जब मुल्क का गद्दार मुल्क में नहीं रह सकता तो खुदा व रसूल का गद्दार इस्लाम में कैसे रह सकता है? नमाज के बगैर कोई मुसलमान कैसे है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैंने कहा हदीस है, एक शख्स अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आया। पहली बात मैं अपने उलमा के सामने वजाहत कर दूं बात आगे बढ़ाने से पहले कि हनफियुल मसलक होने की वजह से, तवज्जो करना, हनफियुल मसलक होने की वजह से मेरा मौकफ वही है जो जमूर अहनाफ का मौकफ है बेनमाजी के लिए, ठीक, उससे हटकर कोई मेरा मौकफ नहीं है। लेकिन मैं हदीस का तस्करा कर रहा हूं तो उसी एतवार से करूंगा जो हदीस में है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दीन और आपके मजहब की हक्कानियत को जान चुका हूं और मैं होना चाहता हूं मुसलमान, लेकिन आपके मजहब में रोजा है, हज है, ज़कात है, सदका है, पड़ोसी के हुकूक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मैं इतना सब नहीं कर सकता। तवज्जो करना, मैं इतना सब नहीं कर सकता। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, ये नहीं करना चाहते ना करो, इतना कर सकते हो ना, ये भी नहीं, अच्छा ये भी कम कर दो, अब इतना कर लोगे ना, ये भी नहीं इतना, आखिरी में सब कम करते 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 बात यहां तक पहुंची, चलो ठीक है, ईमान ले आओ, सिर्फ नमाज पढ़ना बस, और कोई काम नहीं करना है ना करो, लेकिन इतना करो कि तुमने नमाज पढ़। उसने क्या कहा, मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता। तवज्जो कीजिए, सब चीजें हुजूर छोड़ते चले गए, हज नहीं कर सकते कोई बात नहीं ठीक है रहने दो, जकात नहीं दोगे जकात नहीं दे सकते, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी हैसियत देखी होगी, कोई बात नहीं जकात भी ना दो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आखिरी में रह गई नमाज, नौजवानों की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की तवज्जो, आखिरी में रह गई नमाज, और फरमाया ठीक है ना ईमान लिया सिर्फ नमाज पढ़ा कर बस। उसने कहा मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता सरकार ने, मैं चला जा यहां से। आका ने क्या फरमाया, यहां से चला जा, जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन भी नहीं है। अला ला दीन अला ला सलात अला और कमा काल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन भी नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, दीन को तोड़ दिया, दीन के सुतून को गिरा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने सलात व तस्नीम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, वो कुफ्र की हद तक
पहुंच गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अंदाजा तो करो, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, जरा अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म एक मरतबा दिया, किसी इबादत का हुक्म दो मरतबा दिया, किसी इबादत का हुक्म तीन मरतबा दिया, किसी का चार बार, किसी का पांच बार, बहुत ज्यादा किसी का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन एक नमाज है, नमाज जिसको नमाज कहते हैं मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में, पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया है। नमाज कितनी अहम इबादत है कि कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। इसलिए जो नमाज छोड़ देता है, एक वक्त की नमाज छोड़ता है, गोया वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जो एक मरतबा नमाज पढ़ता है, अल्लाह पूरी मखलूक की इबादत के बराबर उसको सवाब अता फरमाता। आप समझो, पूरी मखलूक में फरिश्ते भी आ गए, पूरी मखलूक में जिन्नात भी आ गए, पूरी मखलूक में चूटी, शजर, हजर, दरख्त, पत्ते, पत्थर, दरिया, सब कुछ आ गए। अल्लाह पूरी मखलूक की इबादत के बराबर सिर्फ दो रकत पढ़ने वालों को सवाब अता फरमाता।